शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल ने कहा, नर्मदा नदी में रेत का अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा, नर्मदा में मशीनों से भी रेत अब निकालने नहीं दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, रेत माफियाओं में नकेल कसी जा रही है, सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन ना होने दिया जाए। कमल पटेल ने कहा, मशीनों से रेत नहीं निकालने दी जाएगी। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा होता है तो उसकी जानकारी उन्हें दी जाए, वे इस गलत काम को बंद करवाएंगे। कितना ही बड़ा ठेकेदार हो, उसे गलत काम नहीं करने दिया जाएगा। गलत काम करने वाले ठेकेदार अब भाग रहे हैं। और एनजीटी से निर्देश दिलाए तो कार्रवाई की, और हमारी मांग पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने नर्मदा के सारे ठेके निरस्त किए थे और मशीनों पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। और आज भी मैंने सबको निर्देश दिए, सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए, लिखित में भेजा है कि नर्मदा में कोई पोकलैंड मशीन नहीं चलना चाहिए, बल्कि मजदूरों से जो रेत खदान है, पानी के अंदर रेत खदान नहीं होती है और इसलिए पानी में से रेत नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, रेत खदान जब नर्मदा जी या नदियाँ गाड़ी तेरी चलती है बारिश में जब आती है तो रेत इकट्ठी ढेर लग जाता है, वो है रेत खदान, और इसलिए उसमें से रेत निकालें, मजदूरों को रोजगार मिले और रेत का भी जो हर बार हर साल आती है वो निकल जाए। मानना है कि बिल्कुल है, और आपको अगर कहीं नज़र में है तो आप बिल्कुल मेरे पास वीडियो भेजिए, मैं त्वरित कार्रवाई कराऊंगा। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो ठेकेदार, उसके खिलाफ। देखिए, मेरे ही कारण ठेकेदार भग गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।